प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर SWNU। देशभक्ति के जुनून में युवक ने गोली मारकर की खुदकुशी। मिलिट्री की परीक्षा के बाद मेडिकल परीक्षण में बाहर होने पर की आत्महत्या। कोतवाली देहात क्षेत्र के आदिलपुर इलाके की घटना। एसएससी जीडी की परीक्षा में अंतिम प्रयास में बाहर होने पर आहत होकर खुद को गोली से उड़ाया। देशभक्ति की सेवा करने के लिए मिलिट्री में जाने का युवक का लक्ष्य। 23 साल के रोहित शर्मा ने 15 अगस्त से पहले गोली मारकर जिंदगी खत्म कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मौत की सूचना लगते ही परिवार जनों में मचा कोहराम। कोतवाली देहात क्षेत्र के आदिलपुर इलाके की घटना। बहराइच से SWN न्यूज के लिए शेबू अली की रिपोर्ट। मजनुआ दाखिला आदिलपुर रंजीतपुर जो कोतवाली देहात थाना क्षेत्र का गांव है, यहां के रहने वाले थे रोहित कुमार शर्मा। उनके पिताजी का नाम उमेश चंद शर्मा है। 23 वर्ष की उम्र का लड़का है और ये जो CRPF सेंटर है लखनऊ में, वहाँ पे भर्ती के लिए गया था। वहाँ से मेडिकली अनफिट होने के बाद ये आया था रात में 9 बजे और तनावग्रस्त था। आज सुबह 6:30 बजे के करीब इसने तमंचे से गोली मार करके आत्महत्या कर ली है। डेड बॉडी मर्चरी में है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई हो रही है और इसमें अन्य आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपका उमेश चंद शर्मा कहाँ के रहने वाले हैं? आगे क्या है मामला, कैसे क्या हुआ? मामला ये था कि SSC GD की परीक्षा देने गए थे। पहले लिखित परीक्षा हुआ, उसको पास कर लिए, रेस भी निकाल लिए। उसके बाद में मेडिकल, वहाँ से मेडिकल में सब फिट हो गए। इसके बाद में खाली उनके पैर में एक जगह से थोड़ा बहुत कालापन रहा, उसी के वजह से उनको आधे पान के चक्कर से निकाल दिया गया। इसीलिए गोली मारी। ये कहाँ पे मारे? सीने पे मारे, बाएं साइड। अच्छा, कितनी बार फेल हुए हैं? पहली बार अभी यही मतलब। क्या नाम है इसका? जी रोहित शर्मा, लड़के का नाम रोहित शर्मा। तब एक युवक ने गोली मारकर आत्महत्या की है, क्या है जानते, क्या बताना चाहिए? एक रोहित नाम का लड़का आया था, 25 साल उम्र के थी, आने को गोली मार ली है उसने अपने आप से। ऐसा उसके परिजन बता रहे थे। यहाँ जब लाए तो मृत अवस्था में था, बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई।